अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम आपका हाल चाल पूछ लें और आपकी बेहतरी तबीयत के बारे में पूछ लें। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है? हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है 9th 10th और फिर उसके बाद बैचलर FA और उसके बाद MPhil के में भी इसकी जो तलीम है वो जारी है। ये क्या है, इसके बारे में इसका प्रोसीजर क्या है, वो हम आपको क्लियरली सारा कुछ एक टाइम से ही बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बेसिक रेशियो में पाई जाती है। इसकी जो मेन पॉइंट होता है वो यही होता है कि कंप्यूटर के पार्ट्स जो होते हैं उनके काम क्या होते हैं, उनको चलाने का तरीका और उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि इसके जो मेन स्पॉट होते हैं जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें बेसिक जो होता है CPU प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जो CPU होता है उसकी मेन जो फॉर्म होती है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है कि ये एक ऐसा मेथड है जो कि आप किसी भी चीज़ में को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट होता है एक बेहतरीन। अब इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं ना वो होते हैं रैम और रोम में। बाकी जो मैथिक होता है वो उसके होते हैं हाई लेवल पार्ट्स, यानी कि इसमें रैम की जगह किट बिट है, ये वो जो इसके होते हैं कंप्यूटर बेसिक ट्रेडिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, ORM हो गया, रोम हो गया, ड्रेंग हो गया, ये सारे इसके पार्ट है। CUM हो गया, ये भी इसके पार्ट हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन एक मशीन है जिससे हम अपना घंटों का काम मिनटों में निपटा सकते हैं। अब आपको इसमें बेसिक चीज़ क्या बतानी है अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो तो। कंप्यूटर का इस्तेमाल कई तरीक़ों से किया जाता है। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, ये बात मेरी याद रखें। और अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा और ये सिर्फ एक मोबाइल की तरह ही इस्तेमाल होगा। बेनिफिट इसका ये है कि इसको चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होती है रैम और रोम। रैम रोम में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है, जो होती है रैम होती है वो होती है इसकी जो प्रोसेसिंग रेडम मेमोरी होती है, जो इसमें वो ऐप वगैरह चलाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि मोबाइलों में रैम बहुत ज़्यादा होती है और कई मोबाइलों में रैम बहुत कम होती है, ये सारे दोनों ही प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। अब इसके बाद हम आपसे ये बात करते हैं, रोम पे बात करते हैं कि रोम क्या होता है। इसमें जो रोम होता है वो होता है इसकी मेमोरी। कम से कम जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है तकरीबन 200 से 500 तक प्लस ही होती है, क्योंकि इसके प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं वो बहुत ही हाईलाइट होते हैं। ये बात आपने याद करनी है, कभी भी आप कंप्यूटर लेने जाएं या कभी भी आप कंप्यूटर की प्रोसेसिंग या इसकी रोम और रैम को चेक करना चाहें तो आप सिर्फ इसी चीज़ पर मबनी रहेंगे कि ये चीज़ इतने प्रोसेसिंग यूनिट पर मुंतकिल है और आपने ऐसी ही चीज़ लेनी है जिसमें रैम और रोम बेहतर हो और इसका CPU सिस्टम भी बेहतर हो। कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल या कंप्यूटर वगैरह ले आते हैं मगर वो आकर इतनी टाइमिंग और इतनी प्रोसेसिंग और गेम वगैरह को हैंग करना शुरू कर देता है, वो सिर्फ इसकी रैम और रोम की वजह से होता है। मतलब आपने ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी है जिसमें इसकी रैम और रोम बेहतर हो जाए। अब आप इसके किलोबाइट के बारे में आपको बताता हूँ कि 1 KB इज इक्वल, जो इसकी 1 KB होती हैं उसमें 1000 bits होती हैं, यानी कि ये एक वो होता है मेमोरी का प्रोसीजर होता है चलाने का, जैसे MB होते हैं, बाइट्स होते हैं, K होते हैं और 3G होता है, ऐसे इसके भी MBs और GBs की तरह ही इसके भी प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बाकी इसका जो ऑटोमेटिकली होता है ट्रेडिंग में जाते हैं तो उसमें SMTP होता है, AND होता है, RW होता है, हेयर लाइन लिंक्स होता है। हेयर लिंक्स का मतलब होता है कि आपने कोई भी लिंक्स है उसको किसी के जरिए, जैसे हम अभी गूगल पे जाते हैं वहाँ से एक लिंक उठाया और उसको पोस्ट कर दिया, वो लिंक को हाई लिंक कहते हैं, यानी कि हाइपर लिंक्स इसकी एक बहुत ही बेनिफिट और बहुत ही अच्छी एक शाख होती है।
और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम यानी के जानते ही नहीं हैं कि वो इसका प्रोसेसर की यूनिट क्या होता है। और जब हम इसके बारे में इतनी इलम नहीं रखते हैं तो हम फिर इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें कौन सी चीज़ बेस्ट है और कौन सी चीज़ नहीं बेस्ट है। अब आपको मेमोरी के बारे में मैंने बताया था कि मेमोरी इसकी क्या होती है। मेमोरी इसकी होती है जो कि जिसमें हर चीज़ सेव होती है। मदरबोर्ड होता है जिसमें इसके जिसमें इसको चलाने के लिए मदद देते हैं। मीडियम होता है जो कि ये एक प्रोसेसिंग होता है। और कंट्रोल यानी प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मतलब होता है। ये बहुत ही हाईलाइट और बेहतरीन चीज़ें हैं। अब हम आपको इसके बारे में मज़ीद बताएंगे। अगर आप चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। हम आपको इसका डेब्यू चीज़ दिखाएंगे कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है और इसकी रैम रोम क्या होती है। ये हम आपको इस वीडियो में हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में और आपको इसके बारे में बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि इसका प्रोसेसिंग यूनिट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर 2000 years later, one eternity later. अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस ऐप के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपको बिल्कुल ही नहीं पता है। लोग तो कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर में चलाते हैं। आज हम आपको मोबाइल में कंप्यूटर चला कर दिखाएँगे कैसे। आए देखते हैं। अभी आपने यहाँ से चल जाना है प्ले स्टोर पर, वहाँ पर जाकर कंप्यूटर सर्च करना है। सॉरी कंप्यूटर ऐप। आपने यहाँ पर कंप्यूटर ऐप Win7 सिंक पर जाकर क्लिक करना है। यहाँ पर आप को देख सकते हैं, यहाँ पर आपने इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास पहले इंस्टॉल था क्योंकि मैंने सिर्फ आपके दिखाने के लिए प्ले स्टोर खोला था। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। ये 4.2 यानी कि स्टार्स हैं, उसके 5 मिलियंस डाउनलोडर हैं। आए हम आपको इसको चला कर दिखाते हैं कि ये कैसे चलेगा। अब हम इसको होम स्क्रीन पर आ गए और यहाँ पे देखें कि ये हमारा लोगो ओपन है। अभी ये ओपन किया हुआ था मैंने और मैं वीडियो बना रहा था इसलिए आपको ये दिखाने के लिए। देखें पूरा प्रोसेसर है ये कंप्यूटर की तरह है। अब हम आपको कंप्यूटर ओपन करके दिखाएंगे कि कंप्यूटर का मेथड क्या होता है। यहाँ पर देखें मार्किंग का निशान है और यहाँ पर हम मार्किंग से इसे ओपन करेंगे। ये देखें इसका अवेलेबल जो है कीबोर्ड वगैरह सब कुछ इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है। और अब हमने इसको ओपन कर दिया है और ये देखें अलाउ मांग रहा है। अब हमने इसको व्यू में अप कर दिया। देखें पूरा जो है कंप्यूटर का सिस्टम है ये सिर्फ आपके सीखने के लिए उन्होंने मोबाइल में अलाउंच किया है। और ये ढूंढने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा चीज़ सिस्टम है। अब आप इसमें देख सकते हैं वो आपको इसमें मेमोरी भी प्लस दे रहा है। ये नहीं है कि वो मेमोरी शॉर्ट दे रहा है। ये देखें हम आपको यहाँ पर मेमोरी दिखाएँगे। ये देखें कितनी मेमोरी है, 65.8 GB यानी कि 65 GB आपको यहाँ पे मेमोरी दे रहा है। और ये देखें जो आपकी मोबाइल की है वो आपको क्लियरली मेमोरी बता रहा है। अब उनके हमारे बारे में है यहाँ पे नीचे डिवाइस, अगर आप इसमें कोई डिवाइस भी कनेक्ट करेंगे वो डिवाइस बिल्कुल नीचे यहाँ पर डिस्कवर में क्लिक आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर डिस्कवर में क्लिक हो जाएगी ये जो उनकी डिवाइस है। ओके हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके जो मेथड सिस्टम है, अब हम इसको ओपन करते हैं। अभी इसकी मेथड जो सेटिंग है वो अभी करने वाली थी जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मसला आ रहा है। अब देखें हम यहाँ पर आपके सामने इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम आपके सामने कोई भी वीडियो चलाते हैं। यहाँ पर देखें उन्होंने कहा है कि ओपन। पूरा कंप्यूटर लिस्ट सिस्टम है और बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठे हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है। यहाँ से आप बैक जाएंगे और यहाँ पर आपको कोई भी यानी कि प्रोफाइल हम आपको चला कर दिखाएँगे कि ये कैसे। ये देखें
मेरे पास एक जिम पॉइंट की वीडियोस है, देखें कैसे जा रही हैं, जैसे बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही ये काम कर रहा है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, इस पर ये काम कर रहा है। अब आगे आपको हम दिखाते हैं, यहाँ से आपने मार्क कर देना है, ये बीच चल जाएगा। आप यहाँ पर एक फ़ोटो देखते हैं, ये देखिए फ़ोटो भी है मेरे पास, और इससे आप नेक्स्ट भी जा सकते हैं। अब आपने इसको ज़्यादा बड़ी करना है, देखें आप मेन पेज को ला सकते हैं, और इसको आप एडिटिंग भी बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में एडिटिंग की जाती है। और मेरी बात ज़रा ध्यान से सुने हो भाऊ, ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छी बात है। यहाँ से देखें, आपने ओपन किया हुआ, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, फाइल का ऑप्शन है, ईमेल का भी ऑप्शन है। प्रिंट का क्या ऑप्शन है कि अब अगर आपने इसको किसी के साथ प्रिंट किया है तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता इसका। ये देखें, इसके बाद हम आपको बैक जाकर दिखाते हैं। यहाँ पे आपने पॉइंट पे जाकर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने मोबाइल फ़ोन पे जाकर ओपन कर दिया। ये देखें इतना, यानी कि क्लियर दिया। ये देखें हमने यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ से हम बड़ा करेंगे और यहाँ पे हमने छोटा कर दिया। अब जो इसका मेन प्रोसीजर है वो क्या है कि ये चलता भी वैसे है जैसे डिवाइस सिस्टम है। अब हम इसका सिस्टम निकालते हैं, ये सिस्टम प्रोग्राम यूजिंग विंडोज और प्रोग्राम फाइल्स जो है इसकी वीएसआर है नीचे। अब हम एंड्रॉयड देखते हैं इसका क्या है। एंड्रॉयड में जो है, यानी जो फाइलें हैं सारी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसकी जो मेन सेटिंग है वो ये यहाँ पर है, यहाँ से आपने कंप्यूटर को चला सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर्स की गेम्स मौजूद है, यानी कि ये देखें पूरा कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है। देखें ये सारी गेम्स जो है कंप्यूटर्स की, देखें ये एक गेम्स है जो खेला है अभी, और वो कह रहा है फ्री स्टाइल गेट, हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम इसके बाद देखते हैं कि इसका और क्या प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर इसके कंप्यूटर लॉन्च में मौजूद होता है, देखें डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, कंप्यूटर कंट्रोल पैनल, डिफेंस प्रोग्राम्स और शट डाउन इंटरनेट की इसमें सहूलत मौजूद भी है। ये लॉन्चिंग सिस्टम है जिससे आप इसको ऑन करने के लिए विंडो का यूज़ करते हैं, 7 विंडोज 8 विंडोज लगाते हैं, ये वो मेथड होता है। और ये देखें यहाँ पर उन्होंने इंटरनेट की भी सहूलत दी है, हम यहाँ पर इंटरनेट पे आ गए हैं, हमारा चल रहा है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ कर लेते हैं, गेम्स लिख देते हैं, गेम और सर्च करते हैं, क्या देखते हैं हमारा कुछ बनता है कि नहीं। वो ये बैग चला गया, अभी इंटरनेट पे जाते हैं, ये देखें ओपन करें, पूरा गूगल का एक कैरेटिंग चीज़ आ गई है, देखें जैसे बिल्कुल कंप्यूटर पे चलाते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम है इसको, यानी कि 5 मिलियन से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब